डॉक्टर राज नारायण शुक्ला, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर एक वार्ता रखी गई है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी अभिनव उपक्रम है और सभी देश की सभी भाषाओं के लिए इस प्रकार का एक संस्थान बहुत कम इक्का दुक्का प्रदेश सरकारों ने ही किया है। राष्ट्रीय स्तर पर ही एक दो संस्थान इस प्रकार से सक्रिय हैं, तो ये बहुत महत्वाकांक्षी और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काफ़ी आभा बिखेरने वाला, आभा रखने वाला ये एक संस्थान है। लेकिन कई कारणों से ये संस्थान अपने जो तमाम उद्देश्य इसके हैं उन उद्देश्यों के साथ नहीं चल पा रहा था। एक दूसरी व्यवस्था स्थिति ये भी है कि समाज में जो युवा और बालक जो बच्चे हैं वो भी साहित्य और भाषा से दूर हट रहे थे और अंग्रेजी भाषा के नज़दीक जाने की जो नई पीढ़ी है वो आ रही थी। तो जब मैंने इसमें काम संभाला तो मैंने इसके मूल चीज़ों को समझा कि हम किस तरीके से भाषा संस्थान को और इसके माध्यम से साहित्य को, भाषाओं को हम समाज में और युवाओं में ले जा सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जो हमने काम किया वो एक बाल कार्यशाला लगाई हमने 1 जनवरी से 5 जनवरी में कारोबार संभालते ही, जिसमें हमने बच्चे जो तमाम पत्रिकाओं से चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं निकलती थी उन पत्रिकाओं के बंद हो जाने से और अंग्रेजी के स्कूलों में पढ़ने के कारण से वो साहित्य से, छोटी कविताओं से, कहानियों से वो वंचित थे, केवल अंग्रेजी कहानी कविता पढ़ रहे थे। एक कार्यशाला 5 दिन की लगा करके हमने उनमें साहित्य की अभिरुचि पैदा की, उन्होंने कहानी लिखी, कविताएं लिखी। 5 दिन में उनको सिखाने के बाद जो बाल साहित्यकार हैं उन्होंने कई चीज़ें लिखी, उसकी पुस्तक भी हम छपवाने जा रहे हैं। तो ये कुछ नए प्रयोग भाषा संस्थान ने करने की सोची कि हम ये चीज़ें करें। तो देश भर में तमाम गोष्ठियों को करवाने के साथ साथ हमने अरुणाचल प्रदेश में गोष्ठी कराई, उत्तराखंड में गोष्ठी कराई, कश्मीर में गोष्ठी कराई, राजस्थान में गोष्ठी कराई है। तो इन तमाम कार्यक्रमों को करने के साथ साथ हमने मूल फोकस किया युवाओं पर, बालकों पर, कि युवा क्यों हट रहा है साहित्य से। और इसीलिए ये सोच करके हमने जो थिंक इंडिया है पूरे देश में कार्यक्रम करता है, राष्ट्रीय कला मंच है, ये पूरे देश में युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं, इसी विषयों पर काम कर रहे हैं कि साहित्य के साथ, सिनेमा के, सामाजिक सरोकारों के साथ में, मीडिया के साथ में ये युवा और किस तरीके से जुड़ सकते हैं, विद्यार्थी किस तरीके से जुड़ सकते हैं जो दूर होते चले जा रहे हैं साहित्य से, सकारात्मक साहित्य से। तो इसलिए हमने इन लोगों को साथ में लेकर के, जो अच्छे मान्य संस्थान हैं उनको साथ लेकर के 3 दिन का ये कार्यक्रम 26, 27, 28 नवंबर को एक बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रखा है, जिसमें साहित्य और सिनेमा और मीडिया ये एक अभिनव प्रयोग है। ये जो तीनों पक्ष हैं और इन तीनों पक्षों में देश को, देश में एक विचारधारा लाने का, देश में एक सार्थक विचार लाने का, युवाओं के बीच में लाने के लिए जो बहुत उत्तरदायी हैं, ये तीनों मीडिया भी, साहित्य भी, सिनेमा भी, जो अपना एक प्रभाव बहुत जबरदस्त रूप से छोड़ते हैं युवाओं पर, तो इन तीनों को एक साथ लेकर के हम इन तीनों क्षेत्रों के विद्वानों को बुलाया है हमने यहाँ पर। अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, युवाओं के जो मर्मज्ञ हैं उस क्षेत्र में आदरणीय सुनील अंबेकर जी उसमें रहेंगे, इस तरीके से जो साहित्य के क्षेत्र में नंदकिशोर पांडे जी, कुलदीप अग्निहोत्री जी, सुरेंद्र दुबे, ये बड़े नाम, कुमुद शर्मा, प्रोफेसर कुमुद शर्मा जो दिल्ली से आने वाले हैं, ये जो साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। इसके अलावा सिनेमा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आशुतोष शुक्ल जी हैं, जवाहरलाल कौल जी हैं, और ये कुछ साहित्य मीडिया के और भी बड़े नाम हैं। ये इन बड़े नामों को अनंत विजय जी हैं जो नोएडा में हैं, साहित्य की पत्रकारिता देखते हैं, ऐसे कुछ बड़े नामों को हम ला करके 3 दिन तक विचार विमर्श करने वाले हैं इन सब सारे विषयों पर, कि आखिर जिस युवा पीढ़ी को जो इन सारे विषयों से मुँह मोड़ रही है, अलग हट रही है, इसमें आखिर दोष कहाँ है, इसमें देश साहित्य सिनेमा या मीडिया को के लोगों का है या युवाओं का है या दोनों का है या इस वातावरण का है जो आज समाज में आज रचा गया है वातावरण। तो इन पर इनकी जांच पड़ताल होगी, बारीकी से, बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल होगी, इन विषयों पर बातचीत होगी। युवा अपनी विषय रखेंगे, वो प्रश्नोत्तर करेंगे कि उनको क्या चाहिए। आखिर हम भी महसूस करते हैं कि साहित्य में आज वो साहित्य नहीं लिखा जा रहा है जो साहित्य कभी लिखा गया था, जो जन जन में फैल गया, लोक में फैल गया, तुलसीदास की रामचरितमानस,
आज जब लिखी गई आज पूरे देश में जानी जाती है। उनकी तर्ज पर कई रामायण लिखी गई, रामचरितमानस लिखी गई, गांव गांव का व्यक्ति एक आध चौपाई जानता है। लेकिन बाद के साहित्यकारों में ऐसा क्या हुआ प्रयोग बाद में नई धारा में कि वो लिखी गई उस समय उनकी बड़ी सनसनीखेज चर्चा भी हुई लेकिन बाद में हो गए बोली समाज के लिखा जाने वाला साहित्य समाज के बीच से ही सिरे से गायब हो गया। तो ये युवाओं की और जनता की शिकायत है, लोक मन की शिकायत है कि साहित्यकारों ने हमारे बारे में जो लिखा वो ऐसा नहीं लिखा जो हम उसको पकड़ सकें या हम उसको समझ सकें। इसलिए युवाओं से दूर हो गया क्योंकि युवाओं की रुचि का विषय उन्होंने लिखा। सिनेमा एक अछूत विषय होने लग गया, उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाने लग गया कि ये केवल भड़काने का माध्यम है, केवल उनके उत्तेजना का माध्यम है, उनके विचारों को उत्तेजित करने का भड़काने का काम करेगा, सामाजिक सरोकार का विषय भी रखेगा, समाज से जुड़ाव पैदा नहीं करता है, समाज के जो सार्थक उद्देश्य है उन पर बात नहीं करता है। तो ये जो संदेह पैदा हुआ परस्पर मीडिया के बारे में बात आने लग गई कि मीडिया केवल सनसनी के समाचार ही देता है, केवल देश के लिए उपयोगी समाचारों की बात नहीं करता है या युवाओं के लिए जो उपयोगी समाचार हो सकते हैं वो नहीं देता है, वो पूरे दिन इस विषय पर तो समाचार चला देगा कि इटली में जो शादी हुई विराट कोहली की वो कैसे कैसे हुई, उस पर क्या खर्चा हुआ, उसकी वेस्ट डिजाइन क्या है, लेकिन युवा क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है, वो कहाँ जाना चाहता है, वो किस तरीके से देश में अपना योगदान दे रहा है, दुनिया में योगदान दे रहा है, इन विषयों पर बड़ी चर्चा है सिरे से गायब है, ये युवाओं की शिकायत है। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा और ये सभी संगठन सभी संस्थाएं मिलकर के 3 दिन तक इनका गहन अध्ययन करने के बाद इन पर चर्चा विमर्श करेंगे, इन पर हम पुस्तक भी छापेंगे और 3 दिनों तक के न केवल ये बल्कि इन क्षेत्रों में सोचने और समझने वाले साहित्यकारों को हम सम्मानित भी करने वाले हैं, उनको प्रोत्साहित करने वाले हैं ताकि ये इन विषय पर लिखे इन क्षेत्रों में सोचे, निबंधित लोगों को